गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कल आपके IBPS क्लर्क प्री का एग्ज़ाम है और उसके लिए दो तीन सजेशंस मेरी तरफ से है। सबसे पहला तो अपने कल IBPS क्लर्क प्री के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से कैरी करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो कॉल लेटर है वो लेकर जाना है, उस पर फोटो पहले से चिपका के लेके जाना। साइन जो करना है वो ड्यूली जो क्रॉस साइन जो भी रहता है वो कर लेना। फोटो ID जो भी प्रूफ है, आप क्या हो सकता है पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, वो सब एडमिट कार्ड पे मेंशन है, उसका एक जेरोक्स निकाल के उसके साथ अटैच करके लेकर जाना, ठीक है जी। एक फ़ोटो उसके बाद एक्स्ट्रा लेकर जानी है, एक की जगह दो ले जाना, टू बी ऑन द सेफ साइड। इसके अलावा पेन लेके जाना है, इंक पैड और ग्लू भी बोला है, बाकी जनरली सेंटर्स पे इंक पैड और ग्लू मिल जाता है, मेंशन उन्होंने किया है लेके जाना चाहिए, बट अगर लेके जा पाओ तो ले जाना, नहीं लेके जा पाओ तो भी कोई टेंशन नहीं है, जनरली सेंटर पे मिल जाता है। इसके अलावा जो जेरोक्स चिपका रहे हो ना, या जेरोक्स जो अटैच कर रहे हो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ वाला, आपका चाहे पैन कार्ड हो या आधार हो, वो ओरिजिनल में भी लेकर जाना है। नाम देख लेना, जो नाम है वही नाम वहाँ पर होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और दो जो फोटो है, जैसे एक फ़ोटो तो चिपका लोगे कॉल लेटर पे, दूसरी जो साथ लेके जाओगे दोनों सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इतने से चल जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम आप देख लेना, उससे आधा घंटा पहले पहुँच जाना, ठीक है। कल आई थिंक 5 शिफ्ट्स है, क्योंकि 4 बजे भी रिपोर्टिंग टाइम है, इसका मतलब 5 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, 6:15 बजे तक बच्चे बाहर आएंगे, तो आई थिंक 5 शिफ्ट्स में कल एग्जाम होने वाला है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है। जाने से पहले सभी को मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि आप RRB PO प्री का एग्ज़ाम दे चुके हो, RRB क्लर्क प्री का एग्ज़ाम दे चुके हो, वहाँ से जो सीख मिली है ना उसको कल इम्प्लीमेंट करना है, भूल नहीं जाना, नहीं तो फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा। अभी RRB PO प्री का रिजल्ट आया, जो बच्चों का सिलेक्शन ही है उनसे मैं बात कर रहा हूँ, जिनका हो गया है वो तो बढ़िया है, वो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देंगे ही देंगे, बट जो नहीं कर पाए उनसे बात कर रहा हूँ। RRB वाले एग्जाम से सीखना है अपने को, कल वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है, एक्यूरेसी पे फोकस करना, जहाँ पर भी लेंदी लग रहा है उसमें जाके कूदना नहीं, फंसना नहीं, उसको स्किप करते जाना, जल्दी जल्दी जो बनता जाए वो बनाते जाना, और फिर सेकेंड राउंड में आगे जो स्किप किए हुए थे वो पोर्शन उठाना। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही है? बस ये काम कल कर लेना और बहुत तगड़ा एग्ज़ाम होगा यार, है ना। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आओ, फोड़ के आओ, और प्रार्थना यही रहेगी कि जिन बच्चों ने भी मेहनत की है उनका कल एग्ज़ाम बहुत अच्छा आ जाए। राधे राधे सभी को, बेस्ट ऑफ लक।